नमस्ते दोस्तों दोस्तों ये वीडियो आपको आज के केतु ग्रस्त चंद्र ग्रहण की रेमेडीज के बारे में। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट किया था कि क्या आप इस पे कुछ रेमेडीज बता सकते हैं। ये सबसे बड़ा ग्रहण है चंद्र ग्रहण इस साल का, और राहु और केतु की राशि परिवर्तन भी हो रही है इसके साथ। तो कुछ फायदे भी है, कुछ उतने अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं, लेकिन सभी चीजों के लिए एक समाधान, एक रेमेडी होती है। मैं ऐसे चार पांच रेमेडीज आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो बहुत छोटे छोटे हैं, आराम से आप इसको कर सकते हैं, और अगर आप करते हैं तो इस ग्रहण का जो असर होता है वो बहुत कम आप पे आए। तो पहले तो ये समझे कि ये ग्रहण कब है। ये आज रात को 28 तारीख की रात को 1:05 से शुरू होता है और 2:24 पे खत्म। ओके, मतलब 28 रात को, आज की रात को। और इसका सूतक होता है। सूतक का मतलब है कि ग्रहण के प्रारंभ से 9 घंटे पहले ही उसकी असर स्टार्ट हो जाती है, उसकी इफेक्ट स्टार्ट हो जाती है। तो सूतक पीरियड होगा 2:50 दोपहर को। आज 28 तारीख शनिवार 2:50 को सूतक स्टार्ट होगा। उसके बाद अगर आप उपवास रखते हैं, कुछ खाते नहीं है, राइट, कुछ पकाया हुआ आप पकाते नहीं है, कोई शुभ राइट काम क्रिया नहीं करते हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है। 2:50 से पहले अगर करते हैं तो अच्छा है। कोई बीमार है राइट, उनके लिए तो खाना बनाना ही पड़ेगा, तो वो ठीक है। लेकिन आप घर के सारे वस्तुओं में एक तुलसी का पत्ता या ध्रुवा, इन दोनों में से कोई भी आपको मिलता है तो आप डाल सकते। वो उबला हुआ दूध हो सकता है, पकाया हुआ खाना हो सकता है, चावल के डिब्बे में, नमक के डिब्बे में, पानी, पीने वाले पानी में, राइट, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं सेवन के लिए, उन सब के लिए अगर आप ये दो करते हैं और 3 बजे के बाद इसको आप डालेंगे तो अच्छा है। 2:50 को सूतक स्टार्ट होती है, तो उस टाइम पे अगर आप डालते हैं, और सूतक कब खत्म होगा, जब ग्रहण खत्म होगा, जो मध्य रात्रि 2:24। अब ये ग्रहण, केतुग्रस्त ग्रहण जो है, ये तीन राशियों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। पहली राशि है मिथुन, जेमिनाई, बहुत फायदेमंद होने वाला है, बहुत सारी खुशियां लेके आएगा, बहुत सारे काम जो रुके हुए हैं वो चल जाएगी, आपकी इंटेलेक्चुअल राइट इंटेलेक्चुअल साइट पे, मतलब कि आपकी सोचने की क्षमता, उसको बढ़ाएगा। स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस काम, इसमें थोड़ी आपको बेहतर से बेहतर राइट खिंचाव जो होता है राइट, एक स्पिरिचुअल पुलिंग होती है, वो मिलेगी। ओवरऑल द नेक्स्ट 18 मंथ्स आर गोइंग टू बी रियली गुड। सेकेंड है सिंह राशि, लियो, इनके लिए भी बहुत मेटेरियलिस्टिक कंटेंटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कोई गाड़ी लेने वाले सोच रहे हैं कि गाड़ी लेना है, घर के लिए कुछ मरम्मत करनी है, राइट, समथिंग विद दैट सॉर्ट यू विल बी एबल टू गो अहेड एंड गेट।
और जो तीसरी राशि है वो है कन्या राशि, वर्गो, राइट। इनके लिए भी अबंडेंस इन हेल्थ, राइट, हेल्थ के इश्यूज में अगर कुछ प्रॉब्लम्स थी तो वो टल जाएगी, वो अच्छे होने लगेंगे, जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको फलदायी मिलेगा। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गोइंग टू हैपन फॉर दीज थिंग। ऐसा नहीं है कि बाकी के राशियों के लिए कुछ बुरा होने वाला है, बट यस यू शुड बी केयरफुल। ओके, तो मिथुन, सिंह राशि और कन्या राशि के लिए ये ग्रहण बहुत सारी अच्छी रिजल्ट्स लेके आ रहा है। अब रेमेडीज, पहले देखिए ये मध्य रात्रि में है। एक बात ध्यान रखिए कि अगर ये मध्य रात्रि में आया है, राइट, तो ये और भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे लिए और भी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज मध्य रात्रि की जो ग्रहण है वहां पर तो सब लोग सोते हैं, राइट। जो सोते हैं, हमारे लिए तो वो टाइम होता है कि सोने का है रात को, बहुत कम लोग जो नाइट शिफ्ट करते हैं वो काम करते हैं। लेकिन ये भी एक प्रकृति का एक चुनौती है हम पर, कि क्या आप उस 1 घंटा सोने में बिताएंगे या जाप, मेडिटेशन, राइट, या कुछ पढ़ना, ध्यान लगाना, भगवान की आराधना आराधना करना, समथिंग यू हैव टू डू। ये एक चैलेंज है, राइट। आप 1 बजे सोए हैं और आपको उठना है और ये करना है, राइट। देखिए एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, जाप करते हैं, तब करते हैं, एनीथिंग, वॉट एवर यू थिंक यू कैन डू, जो आपके कंट्रोल में है, अगर आप करते हैं वो समय में, अगर आप करते हैं इस समय में, अगर आप करते हैं तो इसकी जो फायदा है वो 1000 गुना बढ़ जाती है। मंत्र सिद्धि करना है, दिस इज द टाइम। तो मैं सभी को ये आग्रह करूंगा, अगर हो सके तो 1 बजे का अलार्म रखिए, जाग जाइए और कुछ न कुछ जाप कीजिए। सिर्फ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भी कर सकते, गायत्री मंत्र, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, राइट, ललिता सहस्रनाम, जो भी आपको करना है उस 1 घंटे में कीजिए, और उसका फल आप देखेंगे तो नेक्स्ट 18 मंथ्स आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। एंड इट इज डिफिकल्ट, राइट, दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूं कि ग्रहण रात के समय में आना वो हमारे लिए एक चुनौती होती है। दिन के समय में तो हम जाप कर सकते हैं, भगवान के गाना सुन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट ये रात के समय में करना जब आप नींद में हो तो ये और भी बड़ी चुनौती होती है। तो इसका फायदा उठाइए। और मैं ये बोल सकता हूं कि बहुत सारे लोग नहीं कर पाए, राइट, रात के समय में बहुत सारे लोग नहीं कर पाए, गिने चुने लोग ही कर पाए। तो क्या आप उस गिने चुने लोग में शामिल होना चाहते हैं, उसका पुण्य कमाना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं, राइट, तो यू शुड डेफिनेटली, जो भी आपको पसंद है, आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है 1 माला, हनुमान चालीसा 1 माला जाप करना है, बट करना आपके हाथ में है। अगर ये चैलेंज करते हैं आप तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको आए, आप कोई भी राशि के, डोंट वरी अबाउट, इट इज गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। ओके, सब लोग यही बात कर रहे हैं कि ग्रहण ये अच्छा नहीं, अच्छा नहीं के मतलब बुरा भी नहीं है, राइट, देर आर सम अप्स एंड डाउन्स, और अगर ये जाप हम करते हैं देन वी आर गोइंग टू सी कि अगर ऐसी अड़चन आती है हमारी तो वो देखभाल कर ले, तो मिस नहीं करना है। ओके,
दूसरा, जब आप ये जाप कर रहे हैं, राइट, 1 किलो चावल ले लीजिए, 1 किलो रवा सूजी ले लीजिए, या फिर 1 किलो बार्ली ले लीजिए, शहद ले लीजिए, एक आधा किलो का बॉटल, या फिर इसमें से कोई एक, सभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई एक, या फिर काला तिल ले लीजिए, राइट, या फिर हरी मूंग ले लीजिए, राइट, जो भी आपको घर में है या दुकान से आप ले आ सकते हैं, या नमक ले लीजिए, राइट। और जब आप जाप कर रहे हैं तो उसको आपके हाथ में रखिए या उसको आपके पास रखिए, उसको हाथ लगाते हुए ये जाप कीजिए। और कल सुबह नहाने के बाद, राइट, घर में सब जो आपकी पूजा की सामग्री है, फोटो है, जे कोई भी विग्रह है, सबको आपको वॉश करना है, पूजा करनी है, राइट। और ये जो आपने जाप करते समय जो चावल, शहद या फिर सूजी, नमक, ये आप कोई भी विष्णु के मंदिर में या फिर शिव के मंदिर, आप वहां पर दान दे सकते। ओके, काला चना, राइट, बारले चावल, लाल मसूर की दाल, राइट, ये थोड़े इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप रख सकते हैं। इसमें से कोई भी एक आप चुन सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कि यही चुनना है, आपको जो अच्छा लगता है वो ही चुन लें। ओके, या अगर घर में है तो उसी को ले लीजिए। सुबह उठते ही नहाने के बाद थोड़ा सा पानी में हल्दी डालिए, एक चुटकी भर, तुलसी का एक पत्ता लीजिए, और उस पानी से, अगर गंगा जल हो तो गंगा जल में हल्दी डालिए, अगर गंगा जल ना हो तो भी पीने का पानी आप ले सकते, और पूरे घर में उसका छिड़काव, राइट। उसके बाद आप पूजा पाठ कीजिए, और फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू डू, जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो इधर आप कोई भी विष्णु मंदिर, बालाजी मंदिर, राइट, कोई भी विष्णु के अवतार कृष्ण मंदिर, वहां जा सकते हैं, या शिव के मंदिर जा सकते हैं, या कोई भी देवी के मंदिर जा सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक, अगर ये दान करना है तो शिव के मंदिर या विष्णु के मंदिर में दान करेंगे तो बहुत ही अच्छा। अगर शिव जी और पार्वती जी साथ में है, ऐसा मंदिर है, तो वहां पर भी आप दान कर सकते हैं। ओके, अगर आपको, अगर आपकी क्षमता है, आप कर सकते हैं, तो 5 गरीब लोग को खाना खिलाइए, वो एक वक्त का ही क्यों ना हो, 5 गरीब लोग को खाना खिलाइए, होटल से आप पार्सल लेके उनको दे दीजिए। और देते हुए ये भी ध्यान रखिए कि खाने के साथ पानी की बोतल भी देनी है। ओके, जब आप शिव के मंदिर जाएंगे या विष्णु जी के मंदिर जाएंगे या देवी माँ के मंदिर जाएंगे, आपको 1 रुपए के 18 सिक्के, 18 1-1 रुपी कॉइन्स आपको लेके जाने हैं। सफेद फूल या लाल फूल ही लेके जाना, कपूर थोड़ा सा लेके जाना। ये तीन चीजें आपको शिव मंदिर में या देवी मंदिर में या फिर विष्णु जी के कोई भी अवतार के मंदिर में आप लेके जाके उनको वहां पर पूजा अर्चना करेंगे, राइट। ये जो मैंने आपको बताई है रेमेडीज, इनमें से कोई भी आप एक कर सकते, राइट, चावल रख लिया, पूजा कर ली, राइट, और फिर भगवान के मंदिर में। जब आप मंदिर जाएंगे, 18 1 रुपए के सिक्के, कपूर, लाल कलर, सफेद कलर फूल, लाल या सफेद दोनों में से कोई भी एक, और मिश्री, लाल कलर की मिश्री हो सकती है या सफेद कलर की मिश्री हो सकती है, मराठी में उसको कड़ी साखर भी बोलते हैं, राइट, वो अगर आपको मिलता है तो 1/2 किलो उसको लेना है, और ये भी भगवान के मंदिर में अर्पण करना है। ओके, चंद्र ग्रहण है,
तो वो बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स थोड़ी राशियां देख सकती हैं। अगर ये रेमेडी आज आप जाप करते हैं और कल उसको आप डोनेट करते हैं, घर में से कोई एक मेंबर डोनेट कर सकता है। अगर दोनों लोग जाप करना चाहते हैं तो दो लोग, लेकिन 1 किलो का चावल दे सकते हैं, 1 किलो मूंग दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि परिवार में जितने लोग हैं सभी को दान करना है, कोई भी एक परिवार से करता है तो भी अच्छा। ओके, तो ये सारी रेमेडीज जो मैंने आपको बताई है छोटी छोटी है लेकिन आप कर सकते हैं। ओके, इसमें और एक बात है कि अगर आप मट्टी के दिए, एक मट्टी का दिया लेना है, ओके, और जब आप जाप करते हैं, जाप उठते हैं, एक एक घंटे के लिए आप माँ की कोई गाना सुनते हैं, कोई भजन सुनते हैं, कुछ भी ऐसा कीजिए कि ध्यान रखें, थोड़ा ध्यान भगवान के ऊपर, उनको सिर्फ बैठ के मंदिर में सिर्फ देखिए और ध्यान लगाइए कि जो भी इस ग्रहण के वजह से अगर ऐसी दुविधा आ रही है मेरे परिवार पर, उसको आपको टालना है। इतना भी प्रार्थना अगर आप करते हैं उस 1 घंटे के लिए, जो मट्टी का दिया होता है छोटा सा, उसमें आप थोड़ा सा तेल डाल सकते हैं, तिल का तेल डाल सकते हैं, सरसों का तेल डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं, जो आपकी शक्ति है, और उस दिए को जलाइए। जब आप जाप कर रहे हैं 1 घंटे के लिए, तब उसको जला के रखिए। कल सुबह जब आप उठेंगे और नहाने अपने मंदिर जाएंगे नहाने वाने के बाद, तो इस दिया को आप पीपल के पेड़ के पास या उस मंदिर के पास रख के आ जाइए। उसको वापस जलाना नहीं है, ये दिए को जाके वहां पर मंदिर में रख के आ। ओके, इनमें से जो भी आप कर सकते, ऐसा नहीं कि सर दिया नहीं है घर में अभी नहीं ले सकते, नो प्रॉब्लम, राइट। या फिर जाप नहीं कर सकते सर, कुछ सुन सकता हूं मैं, ठीक है, राइट। नहीं सर, रात को उठने में बहुत मुश्किल होती है, तो सुबह कुछ दान कर दीजिए, जो मैंने चीज भाई बताई है दान कर दीजिए। मंदिर जरूर जाइए, सुबह जाएंगे तो बहुत अच्छा, नहाने के बाद पहला काम वही करना। आई थिंक बहुत सारी रेमेडीज मैंने आपके साथ शेयर की है, इसमें से जो भी आपको आप पॉसिबिलिटी कर सकते हैं उसको करना। ओके, और बहुत सारा रिजल्ट्स आएगा। थैंक यू दोस्तों, ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं शेयर करते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब। अब दिवाली आ रही है तो मैं उसकी भी रेमेडीज आपके साथ शेयर करूंगा थोड़ी देर। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।